कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं हुआ है, ये सियाही धोड़ क्या दिया मेरे ऊपर, कुछ नहीं हुआ है। भाई धीरे जिंदगी चुनाव में तो यह सब होता रहता है, और उसकी साइड का रंग तो देखो काला नहीं ब्लू है, और हमारी टोपी का कलर भी ब्लू है। ये तो शुगुन हुआ है, शुगुन जिंदगी। क्या है? तू मेरी बात सुन भाई, तू ये चुनाव में खड़े रहने की जीत छोड़ दे। अरे जीजा जी आप जीत छोड़ दीजिए, मेरी बढ़ती हुई वोट बैंक को देखकर मेरे विरोधियों के छाती के पटिये बैठ गए, इसीलिए लोगों को उकसाकर मुझ पे शाही डलवाई है। जीजा जी ये मेरे विरोधियों की साजिश है, लेकिन मैं भी एक पक्का अहमदाबादी हूँ। उन लोगों से डरकर मैदान छोड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ। अरे भाई तू समझ, ये पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है। अरे जीजा जी आप क्या बात कर रहे हो, अभी पूरे अहमदाबाद में आग की तरह बात फैल गई है कि सुंदरलाल अहमदाबाद से चुनाव लड़ रहा है। अरे बच्चे बच्चे लोग अहमदाबाद के पोल में मेरे नाम के नारे लगा रहे, और आप चंद स्याही के छींटों के हमले से डर गए। अरे भाई आज सिर्फ स्याही उड़ी है, कल कीचड़ उड़ेगा, और कीचड़ का कलर ब्लू नहीं होता, कोई शगुन नहीं होगा। माय डियर जीजा जी आपने कहीं विरोधियों के साथ हाथ तो नहीं मिला लिया है? अरे कैसे पागल जैसी बात कर रहा है, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ तेरे भले के लिए कह रहा हूँ भाई। जीजा जी मेरा भला उसी में है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, और दूसरी बात आपके चेहरे पे शाही उड़ने से मेरे लिए लोगों की सिंपति बढ़ गई है, और मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं और आप दोनों मालामाल हो जाएंगे। कैसे? सरकार बनाने के लिए जिस पार्टी को मेरी जरूरत पड़ेगी वो सपोर्ट के लिए मुझे मुंह मांगा दाम देंगे। अरे तूने तो राजनीति का धंधा बना दिया है। नहीं 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 नहीं, मैंने धंधा नहीं बनाया है, मुझसे ही पहले कई होशियार लोग इसे धंधा बना चुके हैं। माय डियर जीजाजी अब राजनीति का वर्किंग स्टाइल एकदम कॉर्पोरेट हो चुका है, इसीलिए मेरे जैसे पढ़े लिखे होनहार लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं चुनाव में से हट जाऊं, तो कोई और फायदा उठा लेगा, तो मैं क्यों नहीं। सुंदर जीजा जी अब तीर कमान से निकल चुका है, कल मैं चुनाव का नामांकन पत्र भरूंगा, चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। अरे सुंदर भाई, ओ सुंदर भाई, अरे सुंदर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, न्यूज चैनल वाला आपका इंटरव्यू लेने आए है, चलिए। देखा जीजा जी न्यूज चैनल में भी मैं ही फेवरेट हूँ, आज तो मैं ऐसा इंटरव्यू दूंगा कि मेरी जीत 100% पक्की हो जाएगी। चल बका। चलो सुंदर भाई। मैं भी देखता हूँ सुंदरलाल तो तू चुनाव कैसे जीतता है। कहाँ है बका, मीडिया वाले कहाँ है? नमस्ते। नमस्ते, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं चैनल अहमदाबाद से हूँ, माना जाता है आप काफी मजबूत कैंडिडेट है, इसलिए मुझे आपका लाइव इंटरव्यू लेना था। चलिए लाइव इंटरव्यू के लिए हम टेरेस पे चलते हैं। टेरेस पे? मेरे विचार जरा ऊंचे हैं, तो टेरेस पे इंटरव्यू होगा तो लोगों को देखने में मजा आएगा। हाँ हाँ, why not, sure. आइए श्योरली। अरे अहमदाबाद का एक किलो सुंदरलाल, सुंदरलाल। अहमदाबाद का एक किलो सुंदरलाल, सुंदरलाल। बस बस शांत हो जाओ भाई, एकदम शांत हो जाओ। पूछिए मैडम, आपको जो भी लाइव सवाल पूछने हैं पूछिए। मिस्टर सुंदरलाल जी, आपका इलेक्शन में खड़े रहने का मकसद क्या है? मेरा मकसद चोखे घी जैसा एकदम चोखा है, मैं लोगों की और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ देश के सभी लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिलना चाहिए, पीने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए, पड़ोसी से प्यार मिलना चाहिए, और समाज से व्यापार मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा सुंदरलाल जी, लेकिन अपना जो सब्जी और अनाज है उनकी बढ़ती महंगाई, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? महंगाई को भी कंट्रोल करने के लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है। देश के हर नागरिक को, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्रिकेटर हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मैं सबको फरजियात कानूनन किसान बना दूंगा। लेकिन आप सबको कानूनन किसान कैसे बनाएंगे, ये कैसे पॉसिबल है? सब पॉसिबल है मैडम, उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मैं संसद में कानून पास कराऊंगा कि जिन लोगों के पास शहरों में लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट है, उनको उन्हीं के गांव के किसान के साथ फरजियात पार्टनरशिप में खेती करनी पड़ेगी। बाय बाय, बाय बाय। वाव, वेरी वेरी न्यू इनोवेटिव आइडिया सुंदरलाल जी। और मैडम जी, इस कायदे के तो बहुत सारे फायदे हैं।
पहला, जो किसान है उसको खेती के लिए सीधा फाइनेंस मिल जाएगा, और दूसरा, जो लोग शहर में है उनको उनकी जमीन की खेती से ही फ्रेश अनाज मिल जाएगा, और बाकी बचा अनाज डायरेक्ट मार्केट में भाव टू भाव सेल कर देने का, और बीच में कोई मिडल मैन नहीं रहेगा तो भाव अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, और भाव कंट्रोल में आ जाएगा तो महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी। बाय 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 बाय। अमेजिंग। सुंदरलाल जी, क्या आपके पास डीजल और पेट्रोल के भाव कम करने का भी कोई प्लान है? उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मैं देश के सारे रास्ते ढलान वाले बना दूंगा, मतलब कि स्लोप वाले, फिर उसके ऊपर गाड़ी न्यूट्रल में ही चलेगी। अब न्यूट्रल में चलेगी गाड़ी तो डीजल और पेट्रोल की 25% बचत होगी, तो विदेश से हमें पेट्रोल और डीजल भी कम खरीदना पड़ेगा, और पेट्रोल और डीजल हम कम खरीदेंगे तो डॉलर का भाव गिर कर सीधा 25 रुपया हो जाएगा। कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना, क्या फेकम फेक कर रहे ये? क्या ये सच में पॉसिबल है? अरे एकदम पॉसिबल है मैडम। आप देखना, अगर मेरी पॉलिटिकल करियर 15-20 साल चली तो आप लिख के रखिए, 15 साल के बाद हमारा 1 रुपया उनके $15 के बराबर होगा। आगे लाइव प्रश्न पूछिए। हाँ, तो आपकी देश की विदेशी नीति के बारे में क्या विचार है? बहुत नेक विचार है। मैं तो विदेश के लोगों के साथ भी भाईचारे के संबंध बनाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया एक हो जाए। ये तेरा है, ये मेरा है, उसी की वजह से सब झगड़े होते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया की करेंसी एक हो जानी चाहिए। क्या है, पूरी दुनिया की करेंसी एक हो जाएगी तो सारे देश एक हो जाएंगे। मैडम, सब पैसों का खेल है। बाय बाय बाय। सच में सुंदरलाल जी, मैंने कई सारे नेताओं के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आपके जैसे बेबाक जवाब आज तक किसी ने नहीं दिए। थैंक यू वेरी मच। मैं तो पहले से ही ऐसा हूँ। वैसे सीमा जी, कल मैं अपने चुनाव का नामांकन फॉर्म भरने जा रहा हूँ, उसके बाद मेरी भव्य रैली होगी। वाह, क्या बात है। मैं सोचता हूँ कल मेरे प्रचार कार्य के दरमियान आप भी हमारे साथ रहे और हमारा लाइव कवरेज करें। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी, क्यों नहीं। अच्छा, आभार। कितना गजब का इंटरव्यू दे रहे सुंदर भाई। सुंदरलाल ये चलता पुरजा। हाँ, मतलब गजब का इंटरव्यू दे रहा। गजब का देगा क्यों ना भाई, गजब का इंटरव्यू। सुंदरलाल ही गजब का इंसान। वही तो। लेकिन मुझे असली चिंता तो जेठालाल की है। इस भयानक गर्मी कड़कती धूप के अंदर अहमदाबाद की सड़कों पे सुंदरलाल का प्रचार करते हुए उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। काश मैं आपकी बीवी नहीं दोस्त होती। क्या इतनी ही चिंता हो रही है अपने दोस्त की, तो उनको फोन करके उनके हाल चाल पूछ लीजिए। अरे नहीं, अभी कहाँ प्रचार में फोन उठा पाएगा, डिस्टर्ब होगा, अभी बात नहीं हो पाएगी। अरे बिजी होंगे तो फोन नहीं उठाएंगे, फोन कीजिए तो सही आप। कुछ भी पूछ लेता हूँ। बोलिए बोलिए मेहता साहब। हेलो जेठालाल, अरे क्या हाल है भाई? अरे हाल एकदम बेहाल है मेहता साहब। सुंदर ने तो वाट लगा दी है मेरी, और आज रैली में तो गजब हो गया। ऐसा क्या हो गया भाई? आप किसी को बताना मत प्लीज। नहीं, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलो तो सही, हुआ क्या है? अरे ये सुंदर की वजह से किसी ने मेरे ऊपर स्याही फेंकी। हाँ तो, और ये सुंदर एकदम पागल हो गया। इंटरव्यू में कुछ भी होना अक्सर बक रहा है। हाँ मैंने भी सुना, अभी अभी इंटरव्यू देखा टेलीविजन पे, इंटरव्यू देखने के बाद ही तुम्हें फोन किया जेठालाल। देखा ना आपने, देखा ना, बिना सोचे समझे नए नए कायदे बनाने के वायदे कर रहे हैं। बोलो तो जेठालाल, तुम्हें काम क्यों नहीं करते? तुम किसी भी तरह समझा के सुंदर को इलेक्शन का फॉर्म भरने से रोकते क्यों नहीं हो? अरे भाई मैं तो समझा के थक गया, लेकिन सुंदर समझने को तैयार ही नहीं है। चार दोस्तों ने मिलके चने के झाड़ पे क्या चढ़ा दिया, चुनाव में खड़ा हो गया। सच कहता हूँ मेहता साहब, मैं तो यहाँ अहमदाबाद के परेशान हो गया हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। जेठालाल, अमिताभ बच्चन साहब आए थे गोकुलधाम सोसाइटी में, तब उन्होंने क्या कहा था याद है तुम्हें? क्या उन्होंने ये कहा था? कि उनके पिताजी ने हमेशा उनको ये सिखाया है कि जब मन का हो तो अच्छा, और मन का न हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है। तब मेरे ख्याल से सुंदरलाल का केस तुम ऊपर वाले ईश्वरलाल पे छोड़ दो। अरे ये सुंदरलाल ऊपर वाले ईश्वरलाल को भी टोपी पहना दे ऐसा है? हाँ वो तो मैं जानता हूँ जेठालाल, पर इस समस्या को तो एक ही इलाज है जेठालाल, कि तुम किसी भी तरह सुंदरलाल को इलेक्शन का फॉर्म भरने से रोको। अरे मेहता साहब, मैं तो उसी फिराक में हूँ, लेकिन कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर चलो मैं कुछ सोचता हूँ, आप भी सोचो, कुछ आइडिया है तो मुझे बताना, ठीक है?
जरूर जरूर, मेरे दिमाग में भी कुछ आता है तो बताता हूँ जेठालाल। इस वक्त तो मैं अपना आर्टिकल पूरा कर लूँ जो इलेक्शन पे लिखना है मुझे। हाँ ठीक है, आप अपना काम धंधा देखो, मैं भी नट्टू काका को फोन करके मेरा काम धंधा देखता हूँ। चलो भैया, ख्याल रखना अपना जेठालाल। हाँ चलिए। बेचारा जेठालाल। चलो भाई। हेलो छड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, बावरी स्पीकिंग। बावरी तुम? बावरी तो इतनी बेशरम कैसे हो सकती है? मैंने तुझे साफ साफ मना किया, फिर भी तू बार बार दुकान में आ जाती है, और दुकान में आ जाती है तो फोन भी उठाती है, और फोन उठा के गलत नाम बोलती है दुकान का, छड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओह हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। सेठ जी आप फिर से फोन कीजिए, इस बार मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बोलूंगी। ए खबरदार, फोन मत रखना, फोन मत रखना। तू मुझे ये बता, तूने फोन क्यों उठाया? क्योंकि फोन की रिंग बजी, और जब जब फोन की रिंग बजती है तब तब फोन उठाते हैं। और हाँ सेठ जी, मैंने अभी अभी टीवी पर गुंदर भाई का इंटरव्यू देखा, और देखना अहमदाबाद का इलेक्शन गुंदर भाई ही जीतेंगे। अरे भाई तू वो सब पंचायत छोड़ने, नट्टू काका का है, नट्टू काका को फोन दे। सेठ जी नट्टू काका तो गोडाउन में है। तो बुला उनको, बुला जल्दी। Who is on the phone, बावरी? सेठ जी। सेठ जी, नट्टू काका स्पीकिंग, बोलिए। अरे क्या बोलिए, कितनी बार आपको मना किया फिर भी बार बार ये बावरी दुकान में क्यों आ जाती है? सॉरी सॉरी सेठ जी, वो क्या है कि मगन की तबीयत खराब है ना, इसलिए वो आज दुकान में आया नहीं है, और बागा को बाहर पेमेंट के लिए भेजा है मैंने, और दुकान में काम ज्यादा है ना, तो मैंने मदद के लिए बावरी को बुला लिया। सेठ जी जैसे ही बागा आएगा मैं बावरी को रवाना कर दूंगा। हाँ ध्यान रखना, बावरी के साथ साथ बागा भी रवाना ना हो जाए। नहीं नहीं सेठ जी, यू नो आई एम ए मैन ऑफ वर्ड। हैं? मतलब आप तो जानते हैं ना कि मैं जबान का पक्का हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, और बाकी धंधा कैसा चल रहा है, ठीक है ना? अरे दुकान का काम एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है सेठ जी, आप जरा भी दुकान की चिंता मत कीजिए। अच्छा सेठ जी ये बताइए, सुंदर भाई का प्रचार कार्य कैसे चल रहा है? चल रहा है। सेठ जी आप सुंदर भाई को जीता कर ही आना, दुकान की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है चलो, कुछ अर्जेंट है तो फोन करना। ठीक है सेठ जी। अरे सुंदर को चुनाव जिताना नहीं है, चुनाव लड़ने से रोकना है, लेकिन कैसे रोकूं? पापा पापा, अरे पापा आप यहाँ क्यों बैठे हो? जल्दी चलिए, सुंदर मामा ने आप पंडाल में सभी कार्यकर्ताओं की अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। आता हूँ जा। पापा जल्दी आना, जल्दी जल्दी जल्दी। दो मिनट की शांति नहीं है, नहीं लेना नहीं देना, कार्यकर्ता बना दिया मुझे। चलो टोपी तो पहननी पड़ेगी। दोस्तों अहमदाबाद की हर एक पोल से हमें समर्थन मिल रहा है, और अब तो मीडिया भी हमारे साथ है, तो सॉलिड पब्लिसिटी हमें मिल रही है। पर ये चीज़ें जी कहाँ थे आप? यहाँ पे कार्यकर्ताओं की कोर मीटिंग चल रही है, थोड़ा धंधे में ध्यान दीजिए ना आप। आइए बैठिए बैठिए जीजा जी, आइए पापा बैठिए बैठिए, जरा साथ में रहिए ना जीजा जी, थोड़ा धंधे में ध्यान दीजिए जीजा जी। मैं इन सब लोगों को ये कह रहा था जीजा जी कि अब मीडिया भी हमारे साथ है, और कल हमारा नामांकन भरने का दिन है, हम सब लोग साथ में जाकर नामांकन पत्र भरेंगे, और उसके बाद हम लोग भव्य रैली निकालेंगे। कुछ भी करके कल सुंदर को चुनाव का नामांकन फॉर्म भरने से रोकना ही होगा। जीजा जी यहाँ मीटिंग चल रही है कार्यकर्ताओं की, जरा फोन साइलेंट पे रखिए। आप कोषाध्यक्ष हो? हाँ भिड़े बोल। अरे भाई जेठालाल, सुंदरलाल के इलेक्शन का प्रचार कैसा चल रहा है? हाँ चल रहा है बढ़िया। अरे उससे बात तो कराओ भाई, यहाँ पे पूरे गोकुला वासी उसे शुभेच्छा देने के लिए खड़े हैं। हाँ इधर ही एक मिनट कराता हूँ, रुक। सुंदर गोकुल धाम से सबका फोन है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सुंदरलाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। भाई तुम चुनाव में खड़े हो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भिड़े भाई तुमचा खूब खूब आभार। चक्क मराठी बोलते सुंदरलाल? काय सांगताय, स्पीकर पे करा ना फोन। हाँ प्लीज भिड़े भाई। हाँ 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 सबको सुनिए।
हाँ सुंदरलाल, यहाँ पे सारे गोकुलधाम वासी खड़े भाई तुम्हें शुभकामनाएं देने के लिए। अरे हाँ, जल्दी जल्दी दो उनको, गोकुलधाम सोसाइटी वालों की शुभेच्छा बहुत असर करती है, जल्दी दो। देखो भाई सुंदर, अब चुनाव लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो पूरे मन से लड़ना, और इस चुनाव को युद्ध मत समझना, राष्ट्र सेवा का कर्म समझना। ये समझना कि तुम देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ये चुनाव भारत के लिए परीक्षा की घड़ी है, हम सभी को ईमानदार और अच्छे प्रत्याशी चाहिए, इसलिए चुनाव लड़ रहे हो तो पूरी ईमानदारी से, सच्चे मन से लड़ना, और अगर जीतो तो ईमानदारी से काम भी करना। क्या बात है, बस जबरदस्त शुभेच्छा दी है। जबरदस्त शुभेच्छा तो देंगे, इतने बढ़िया लेखक जो है। सुंदर भाई, आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें पक्का यकीन है कि आप ही चुनाव जीतेंगे, नहीं का? थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। हेलो सुंदर भाई, आई विश कि आप मेजोरिटी वोट के साथ इलेक्शन जीत जाओ। बबीता जी, आपके मुँह में घी शक्कर। कितना विश कर रही है बबीता जी। मेरी तरफ से आप एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस और अभिनंदन ले लीजिए, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है कि आप ये इलेक्शन जीत ही जाएंगे। अंजलि बहन, तुम्हारा खूब खूब आभार। सुंदर भाई, वी नो आप ही जीतने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। सुंदर भाई, गुड लक, और मैंने मेरे खुदाई जी से दुआ कर ली है, आप ही जीतोगे। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। सुंदर भाई, अब्दुल भाई आपके जीत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेगा। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू, आपकी दुआ जरूर रंग लाएगी। सुंदर भाई, चुनाव की गर्मी में आप तंदुरुस्त रहे, ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि नेता चुस्त तो जनता तंदुरुस्त, क्यों सही बात है कि नहीं? बहुत सही बात की आदि भाई आपने, थैंक यू। गॉड ब्लेस। भाई सुंदरलाल, मुझे पूरा यकीन है कि इस चुनाव में तुम भारी बहुमति से जीतोगे, जिसे देखकर दुनिया हिल जाएगी। पर ये खुद इतना क्यों हिल रहा है? कुछ ही दिनों में तूफान एक्सप्रेस की हेडलाइंस होगी कि चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने वाला देश का पहला नेता है सुंदरलाल। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। और आप यहाँ आके देखिए मीडिया मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है। आपने मेरा हौसला बुलंद कर दिया। मेरे को भी बात करना है, मेरे को भी फोन दो। अरे सुंदरलाल, जयनालाल बहुत लकी है कि उसको तुम्हारे जैसा सुंदरलाल साला मिला। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। देखिए वाई डी जीजा जी, गोकुलधाम वाले मुझे कितनी शुभेच्छाएं दे रहे। मैं चुनाव में खड़ा हूँ इसलिए वो कितने खुश है। अय्यर भाई तो कह रहे हैं कि मेरी वजह से आप लकी हो। अय्यर भाई को लकी बोलने में क्या जाता है, यहाँ चक्की में पीस तो मैं रहा हूँ। अरे सुंदरलाल, अहमदाबाद का जनता भी बहुत लकी है कि उसको तुम्हारे जैसा कैंडिडेट मिला। ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन, देखना जीत तुम्हारा ही होगा। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। अय्यर अंकल, हमें भी बात करनी है। सुंदर मामा, टप्पू सेना की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मामा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू वेरी मच। वाह फ्रेंड्स, अरे हो गई भाई, सबकी बात हो गई। हां लव फोन। पेशिस्त कुठले? सॉरी टू बोल। सॉरी मम्मी। मन नहीं है बनने। सॉरी बीड अंकल। उफ फोन चालू है। सॉरी सुंदरलाल, तुम्हें नहीं है, तुम्हें वन सेकंड, ऑल द बेस्ट। अरे आप गोकुलधाम सोसाइटी वालों के प्यार और आशीर्वाद से मैं पक्का चुनाव जीत जाऊंगा। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, आप अभी अच्छा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदरलाल जीतेगा।
ऑपोजिशन जीरो है, सुंदरलाल हीरो है, जीतेगा बाबा जीतेगा। तो आप देख रहे हैं कि सुंदरलाल जी को सारे अहमदाबादी इतना प्रेम और सपोर्ट मिल रहा है, तो हमें टेंशन है कि सारे नेताओं का क्या होगा। बचपन से लेके अभी तक जितना मैं नहीं चला हूं, उतना पिछले दो दिन में चला हूं। मुझसे और चला नहीं जा रहा है दया, प्लीज सॉरी। ओहो, पैर दर्द हो रहे हैं, ऐसा कहिए ना। एक मिनट, क्या एक मिनट, साधु मासी, ओ साधु मासी, जल्दी से आप मोजे निकालिए, चप्पल निकालिए, चलिए। क्या करना क्या है? अरे आप मैं चलिए। अरे क्या फटाफट। हाँ चलिए, अभी अभी इसमें पग डुबोइए। थोड़ा नजदीक ला। हाँ। अरे टोपी नहीं डोबी, ये क्या किया तूने? क्या? अरे गरम गरम पानी लेके आई। अरे टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है गरम पानी में पैर रखने से पैरों का दर्द उड़नछू हो जाता है। अरे दर्द उड़नछू नहीं होगा, मेरे पैर उड़नछू हो जाएंगे। तू क्या चाहती है फिर, मैं बैसाखी लेके प्रचार में ऐसे चलूं? सुप सुप बोलिए। नॉनसेंस। सॉरी सॉरी, आप बस थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए, आराम कीजिए, मैं टप्पू के साथ नींबू पानी भिजवाती हूँ, फिर आप टप्पू के साथ रैली में प्रचार करने के लिए आ जाना। हाँ चुटनी बच रहा तो भी रात 24 घंटे चालू ही है ना। तो नींबू पानी भेज जल्दी पहले, चल। हाँ हाँ भेजती हूँ टप्पू। क्या मुसीबत है, इधर जरा पेट टिका कर लेता हूँ भाई। क्या मुसीबत है, कौन से मुहूर्त में अहमदाबाद आने के लिए निकला मैं? पूरे दिन के प्रचार में आज आपने देखा सुंदरलाल की पूरी टीम कितने जोश से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। यह टीम घर घर फोन फोन जाकर अपने वोट सभी से मांग रहे हैं और यह जंग और भी कांटे की टक्कर बनता जा रहा है। अभी अभी हमें हमारे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि सुंदरलाल के प्रति अहमदाबादियों का प्रेम और सपोर्ट देखकर बाकी के नेताओं के तो होश उड़ गए हैं और वे अब नई रणनीति सोचने में व्यस्त हैं। मैं सीमा अहमदाबाद की ओर से कैमरामैन आमिर के साथ, चैनल अहमदाबाद। दर्शक मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम सुंदर का सैलाब में मैं अमित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस बार के तड़कते भड़कते चुनाव में सुंदरलाल की एंट्री के बाद माहौल कुछ ऐसे बदल गया है जैसे कि भरे बाजार एक हाथी जॉगिंग करने के लिए आ गया। ऑपोजिशन में अफरा तफरी मची हुई है, सुंदरलाल सबके मनों में फिट है इसलिए ओवरनाइट हिट हो चुके हैं। तो उन्हीं के बारे में आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस समय हमारे चुनावी विशेषज्ञ श्रीमान चुन्नीलाल चिखलिया जी। नमस्ते, नमस्ते। और हमारे साथ मौजूद हैं उनकी बहन और प्रबंधक श्रीमती दयाबेन गड़ा जी। नमस्ते।
और इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुंदर लाल के सर्वे सर्वा, उनके कर्ता धर्ता द किंग मेकर, उनके जीजा जी श्रीमान जेठालाल गड़ा जी। जेठालाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आप यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए आए। अरे भाई, मेरा बस चला तो मैं तो यहाँ पूरा दिन बैठने को तैयार हूँ। बाहर भयानक गर्मी में घूमने से तो अच्छा है कि यहाँ ऐसी ऐसी परिस्थिति में यहाँ आपके स्टूडियो में आना ही हितावह है, क्योंकि क्या है, आपके जरिए हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा जो विचार है वो प्रकट कर सकते हैं। बराबर, एकदम 100% सच्ची बात। अच्छा जेठा जी, आपको तो ये मालूम ही होगा कि आज पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ सुंदरलाल के बारे में ही बात की जा रही है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सुंदरलाल ने आखिर इतने कम समय में इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे प्राप्त की? देखिए, मान लीजिए रास्ते पे 10-12 घोड़े चल रहे, उन घोड़ों के बीच में से अचानक एक ऊंट अगर प्रकट हो तो लोगों का ध्यान कहाँ जाएगा? ऊंट पर। बराबर है, क्योंकि वो घोड़ों के बीच में ऊंटी एक अलग है, तो लोग कुतूहल से उसकी तरफ देखेंगे, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जो 15-20 घोड़े जैसे उम्मीदवार है, उसमें एक ऊंट जैसा उम्मीदवार हमारा सुंदरलाल खड़ा है, तो लोगों का कुतूहल उसकी तरफ बढ़ गया है। और शतरंज के खेल में भी आपने देखा होगा कि जो ऊंट होता है वो टेढ़ी चाल चलता है, तो वो हिसाब से भी जो हमारे सुंदरलाल है वो पूरी तरह टेढ़े हैं। जी, तो हम यही सवाल अपने चुनावी विशेषज्ञ श्रीमान चुन्नीलाल जी से पूछना चाहेंगे। चुन्नीलाल जी, देखिए, ये प्रश्न बड़ा जटिल है। हमने पिछले इलेक्शन का सर्वेक्षण किया है और उस सर्वेक्षण का विश्लेषण भी किया और उस विश्लेषण का अन्वेषण भी किया है, और जब हमने फिलहाल हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे। चुन्नीलाल जी, जेठा जी, सुंदरलाल के चुनाव चिन्ह टोपी का आखिर संदेश क्या है? इस टोपी के जरिए आखिर वो जनता से क्या कहना चाहते हैं? टोपी के जरिए जनता को सुंदरलाल जी यही कहना चाहते हैं कि अगर वो जीत गए तो पूरे देश को वो टोपी पहनाएंगे। मतलब टप्पू के पापा का कहना ये है कि जैसे टोपी हमें धूप से बचाती है, ठीक वैसे ही सुंदर वीरों की टोपी हमें भ्रष्टाचार और महंगाई से बचाएगी। तो चुन्नीलाल जी, टोपी के बारे में आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, टोपी एक रूपक है। जैसे हमारे यहाँ मोर, बुलबुल, मुर्गा, ये पक्षियां जैसे अपने सर पे कलगी रखते हैं ना, वैसे ही सुंदर लाल भी अपने सर पे टोपी रखता है। ओहो, आपका कहने का मतलब ये है कि सुंदर वीरा मोर है? नहीं नहीं, हाँ नहीं, उनके कहने का मतलब ये है कि आपका सुंदर वीरा मुर्गा है। अरे नहीं नहीं, मेरा तुलनात्मक है। चुनी काका कैसे कैसे बोल सकता है मेरा सुंदर वीरा मुर्गा नहीं है? देखिए, ये जनता के सामने से कैसे बोल सकता है? ये उनका वो क्या है, मत है उसमें, लोकशाही है। देखिए, लोकशाही में तो कोई कुछ किसी को बोल सकता है ना, वो तो उनको जब दया बहन, मेरा अगला सवाल आप ही से है, मेरा अगला सवाल, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। ठीक नहीं है ये। देखिए दया बहन, दया बहन, आपने ये दावा किया है कि अगर सुंदरलाल सत्ता में आ गए तो वो देश की शक्ल बदल देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे? गरबा करके। जी, गरबा करके मतलब राजनीतिक गरबा करके। राजनीतिक गरबा? दया जी, मैं इतने सालों से राजनीति में हूँ, लेकिन ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे मैं इतना साल से राजनीति में नहीं हूँ, फिर भी मैंने ये शब्द पहली बार सुना। दया जी, प्लीज बताएंगे कि राजनीतिक गरबा क्या होता है? एक मिनट चुन्नीलाल जी, आप उनको बोलने देंगे? आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। दया जी, आप बताइए राजनीतिक गरबा होता क्या? बताती हूँ। जैसे हाथ की ताली, ढोल की थाप और मधुर गीत के बोल के तालमेल से गरबा बनता है, ठीक वैसे ही प्रशासन, कानून और जनता, इन तीनों के तालमेल से राजनीतिक गरबा बनता है। और सुंदर वीरा इसी राजनीतिक गरबा के तालमेल से देश की शक्ल बदल देगा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आपको गरबा करके समझाती हूँ। देखिए भाई, तो अभी यहाँ गरबा क्या करने जा रही है? दया बहन, प्लीज प्लीज बैठ जाइए आप, प्लीज बैठिए ना। अरे अरे भाई, इनको बोलने दीजिए ना।
गरबे की परिभाषा में सुंदर लाल की अभिलाषा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट चुनीलाल जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। बोलने का मौका दिया जाएगा? दिया जाएगा कब? दिया जाएगा अरे जब भी मैं बोलता हूँ बीच में आप रोक देते हैं। पहले ऐसे ताली मारते हैं, अरे फिर पैर को ऐसे ठेस मारते हैं। दया बहन ये क्या कर रही हैं आप? ये न्यूज चैनल है दया बहन, ये गरबा ग्राउंड नहीं है प्लीज। और फिर चप्पल घूमते हैं करने। ये भी देखो विश्लेषण क्या चुन्नीलाल जी क्या कर रहे हैं? ऐसे 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 प्लीज रुक जाइए चुन्नीलाल जी। आप ये महंगा, इससे महंगाई भाग जाती है, ऐसा प्रतीकात्मक आप जो कहते हैं वैसा है। और दूसरा, आपने सुंदर वीरा को मोर बताया, उसका ये है। राजी आप प्लीज कुछ बोलते क्यों नहीं है उनको? अरे वो है वो चुन्नीलाल जी, देखो ना क्या विश्लेषण है, कैसे विश्लेषक है ये। दर्शक मित्रों, आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये न्यूज रूम की जगह गरबा ग्राउंड जरा बन चुका है और सुंदर का सैलाब अब यहाँ तक भी पहुंच चुका है। अब न जाने ये सुंदर का सैलाब और कहां कहां तक जाएगा। इसको रोकने के लिए, इसको टोकने के लिए शायद ही कोई। आज हम चुनाव विस्तार के यंगस्टर से बात करेंगे कि सुंदरलाल के बारे में उनका क्या मानना है। सुंदरलाल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अरे सुंदरलाल तो रॉकिंग है, वो कूल डूड है, उसका अपना ही एटीट्यूड है। सुंदरलाल के विरोधियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सुंदरलाल में दम है और बाकी सब पानी कम है बॉस। सुंदरलाल के बारे में ऐसा क्या स्पेशल लगता है आपको? उनका स्टाइल, उनका स्टाइल वो सबसे जोरदार और सबसे निराला है बॉस। सुंदरलाल अगर सत्ता में आते हैं तो आपकी क्या उम्मीदें हैं उनसे? हमें तो बड़े बड़े ऑर्डर्स लेने की उम्मीदें हैं बॉस। मतलब? हमारी ट्रेलर की शॉप है, सुंदर भाई और उनके सभी कार्यकर्ता के कपड़े हमारे यहाँ ही सिलते हैं बॉस, और वो भी फ्री में बॉस। अगर सुंदर भाई चुनाव में जीतते हैं तो सभी बड़े बड़े ऑर्डर्स तो हमें मिलेंगे ना बॉस। आप जैसे यंगस्टर्स जो पहली बार मत देने वाले हैं, वो सुंदरलाल को ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ सुंदरलाल ने ही हमारे मुद्दों पे ध्यान दिया है। कौन से मुद्दों पर? बाकी सब कोई बिजली पानी की बात करता है, सुंदरलाल ने यंगस्टर्स से वादा किया है कि वो मोबाइल और इंटरनेट प्लान के रेट आधे करवा देंगे। आप लाइफ में फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हैं, तो आप किसे वोट देंगे? सुंदरलाल को ही। क्यों? सुंदरलाल हमारा रोल मॉडल है और उन्होंने हमें वादा किया है कि वो अहमदाबाद में 100 मल्टीनेशनल कंपनियां लाएंगे और जैसे ही हमारी पढ़ाई खत्म होती है हमें सीधा उसका CEO बनाएंगे। ऐसा चमत्कार तो सिर्फ सुंदरलाल ही कर सकता है। वोट तो सिर्फ सुंदरलाल को। आप सुंदरलाल का समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि सुंदर एक जादूगर है, अगर सुंदर जीत गया तो काकरिया तालाब का घी बन जाएगा, आसमान से पूरन पूरी गिरेगी और सब लोग भिगो भिगो के खाएंगे। सुंदरलाल से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? अरे सुंदरलाल जीत गया तो अहमदाबाद का एले बन जाएगा, लो एंजेलस। क्या आपको सच में लगता है कि सुंदरलाल ही जीतेंगे? पहले जब सबने उन्हें देखा तो सोचा ये कौन है, मगर आज वो यूथ आइकॉन है। मुझे तो लगता है कि वो पक्का जीत सकते हैं। जीत सकते हैं क्या? वो ही जीतेंगे। जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदरलाल जीतेगा। आप किसे वोट देना चाहेंगे? वन एंड ओनली सुंदरलाल। क्यों सिर्फ सुंदरलाल ही? क्योंकि सुंदरलाल ही देश की युवा धड़कन को सुन सकते हैं। अगर सुंदरलाल जीत गए तो वो हॉलीवुड जैसी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ गुजरात में बनाएंगे जिसका नाम होगा गॉलीवुड। फिर वो हॉलीवुड इंडस्ट्री से टक्कर लेगी। अब सब लोग सुंदरलाल को ही क्यों वोट दे रहे हैं? सुंदरलाल तो मेरा बेटा है, मैं उसे ही वोट दूंगी। वो हमारे सभी प्रश्नों को जानता है, हमारे सभी प्रश्नों को वो हल करेगा। वो हमारी पोल को यूरोप का पोलैंड बना देगा। अगर वो जीत जाएगा तो मैं नंगे पैर अंबाजी माता के दर्शन के लिए जरूर जाऊंगी, मैं उसे ही वोट दूंगी। सुंदरलाल 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 सुंदरलाल। तो जैसे कि आपने देखा कि यंगस्टर्स में सुंदरलाल यूथ आइकन बने हुए हैं, मोबाइल पर, इंटरनेट पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, हर जगह पर सुंदरलाल का जैसा सैलाब आ चुका है।
सुंदरलाल की लोकप्रियता इतनी तेजी से फैल रही है जैसे जंगल में आग फैलती है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इस चुनाव में सुंदरलाल को रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं सीमा रिपोर्टर अहमदाबाद की फोर्स से कैमरामैन आमिर के साथ चैनल अहमदाबाद। प्रचार खत्म हुआ। जीजा जी प्रचार खत्म नहीं हुआ है, अभी 8 दिन और चलकर प्रचार करना है। 8 दिन और? नहीं भाई नहीं, मैं और 8 सेकंड भी नहीं चल सकता। अरे टप्पू के पापा क्या नहीं चल पाएंगे? ये अहमदाबादी फेस से नाश्ते का चटाका पीजिए और साथ में मसाले वाली चाय पीजिए तो आपकी थकान फटाक से दूर हो जाएगी और आप एकदम हल्का फुल्का महसूस करेंगे। फिर आप अहमदाबाद के रास्तों पर पंछी की तरह उड़कर चुनाव प्रचार करेंगे। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदर हीरा जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदर हीरा जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा। अरे भाई नाश्ता लाना इधर। सॉरी चटनी हो चटनी। हाँ ओ कमाल है जेठा बड़ा, ओ तुझे ऐसे कैसे थक गए यार? ओ अहमदाबाद की तो हवा ऐसी है कि यहाँ पे सारी थकान दूर हो जाती है और जोश को भी जोश आ जाता है। हाँ, बराबर भाई। अरे भाई मुझे अहमदाबाद शहर की वजह से नहीं, मेरे साले की वजह से थकान लगी है। वाह भाई वाह, अहमदाबाद के जलेबी भाभड़ा कमाल कमाल होगा, कमाल मजा आ गया। हाँ बोल बोल जयवल, क्या बात कर रहे हैं? अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वीरा क्या क्या हुआ? वीरा बेना माय डियर जीजा जी, एक सॉलिड गुड न्यूज है। क्या? कानपुर और जबलपुर के सभी लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपना वोट बैंक धड़ाधड़ भर रहा है। सुंदर भाई, सुंदर भाई, इलेक्शन ऑफिस से आपको कोई मिलने के लिए आए हैं। इलेक्शन ऑफिस से? क्यों? मिस्टर सुंदरलाल नमस्ते। नमस्ते, एक मिनट। नमस्ते ऑफिसर जी, हमसे कोई भूल हुई है? हाँ। क्या? हमें बताते हुए खेद हो रहा है कि आपके चुनाव का नामांकन पत्र रिजेक्ट हो गया है। मतलब? कैंसल। क्या? पर क्यों? सुंदरलाल, आज जब हमारे ऑफिसर आपके चुनाव के नामांकन पत्र को स्क्रूटिनाइज कर रहे थे तब पता चला कि फॉर्म पे आपके साइन ही नहीं है। एमी क्यों? पर ये कैसे हो सकता है? मैंने आपके ऑफिसर के सामने फॉर्म पे साइन की थी, मेरे साइन गायब कैसे हो गए? वो तो हमें पता नहीं सुंदरलाल, मगर नामांकन पत्र पे आपके साइन नहीं होने के वजह से आपका नामांकन पत्र रद्द किया गया है और आप ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बस यही जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आया था। साइन करनी है तो ये मेरी लकी पेन से साइन कर। बिजनेस में मैंने जब जब इस पेन से साइन किया मुझे हमेशा फायदा हुआ है। जीजा जी, जीजा जी, आपने मुझे नामांकन पत्र भरने के लिए जो आपकी लकी पेन दी थी वो कहीं केमिकल वाली तो नहीं थी ना, जिसके से कुछ घंटे में उड़ जाती है? हाँ जी, ये पेन की स्याही केमिकल वाली ही है। जो कुछ ही घंटों में बाष्पीभवन यानी कि पंच महाभूत में विलीन हो जाती है। राम 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 राम, टप्पू के पापा ये आपने क्या किया?
जीता जी, आपने ऐसा खेल मेरे साथ क्यों खेला? क्योंकि तू जनता के साथ खेल खेल रहा था, इसलिए मैंने तेरे साथ खेल खेल के तुझे रोका और जनता को बचा लिया। माय डियर जीजा जी, मैं जनता के लिए तो नेता बनना चाहता था। पूछिए मेरे दोस्तों को। भाई 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 नहीं करेगा। तेरा चार दोस्तों ने भाई भाई कर दिया तो तू नेता बन गया। अरे नेता बनना बड़ी जवाबदारी का काम है, कोई मजाक नहीं है। कि एक दिन सुबह उठे और ख्याल आया कि ये फ्री है, क्या करे, नेता बन के चुनाव चुनाव खेले और बन गए नेता। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से जो अच्छे और सच्चे नेता है उनके वोट कट जाते हैं और लुच्चे टुच्चे लोग चुनाव जीत के संसद में बैठ जाते हैं। लेकिन मैं सच में देश सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन कल तो तू मुझे कुछ और ही कह रहा था। क्या याद कर? और मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं और आप दोनों मालामाल हो जाएंगे। कैसे? सरकार बनाने के लिए जिस पार्टी को मेरी जरूरत पड़ेगी वो सपोर्ट के लिए मुझे मुंह मांगा दाम देंगे। अरे भाई, अगर तू सच में देश सेवा करना चाहता है तो जो अच्छे नेता है, जो सालों से काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको वोट दे के जिताओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। आपकी बात सही है जीजा जी, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी जीजा जी। कौन सी? आपने मेरे इलाके में आके मुझे टोपी पहनाई। सुंदर यह बात हमेशा याद रखेगा जीजा जी। याद रखना ही भाई, क्या उसकी वजह से दोबारा कभी भी तुझे गलती से भी ऐसी गलती करने का ख्याल आएगा ही नहीं। जीजा जी, आज आपका दिन है, हंस लो। लेकिन आज नहीं तो कल सुंदर इस टोपी का बदला टोपी से जरूर लेगा। चलो दया, मुंबई जाने की तैयारी करो। टपो, चलो सामान सुमान पैक पोक करो। चलो चलो टपो। चल भाई, चलते चलो। चल चल, खड़ा क्या है, चलो।